अब देखो हमें रात को वाटरफॉल क्रॉस करके जाना पड़ेगा इधर। क्यों नशेन दादा भालो, आप असमीज में कैसे बोलते हैं इसको? बढ़िया सु बढ़िया। नहीं आप कैसे बोले, जैसे बंगाली में बोलते क्यों नशेन, असमीज में कैसे बोले? की खबर? बढ़िया खबर, बढ़िया खबर। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वापस से जो गेस्ट हाउस है और जो कैंपिंग प्लेस है वहाँ पे पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे अपने कुछ आसाम के भाई आए हुए हैं, उनसे बतिया रहा था। दादा आप किधर से हो? हम आसाम से हैं। आसाम में किधर? धेमाजी बोलता है। धेमाजी, हाँ। तो ये देखिए अभी उधर से आ रहे हैं, वो सामने क्रॉस दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा होगा, इसमें गोप्रो की कैमरे क्वालिटी ऐसी है। तो अब इस प्यारी सी जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया, लेकिन जाते जाते ये एक आखिरी चाय तो पी के जाएँ यहाँ से। चाय पीने के बाद निकलेंगे। भाई और सब यहाँ पे मना कर रहे हैं कि आज मत निकलो, नहीं अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है पहुँच जाएंगे। क्या लग रहा है, पहुँच जाएंगे ना? नहीं पहुँचेगा, रात हो जाएगा भैया, अभी तो 3 बज गया ना। ऐसे एक घंटा जाने पर पहाड़ ही होता ना, अभी तो खला देख रहा, जब अंदर में जाएगा ना पूरा। यहाँ से कितना वो क्रॉस एकदम सही दिखता है क्या यहाँ से? देखते हैं भाई। थैंक यू दादा। बंद कर दूं क्या? नहीं नहीं बंद मत करिए, उबलने दीजिए, फिर दूध डालना है ना ऊपर से। दूध नहीं है तो काला चाय पी, काला चाय पिएगा आप? फिर तो उबलने दो थोड़ा, उसके बाद कर लेना। ये असम का जो पत्ता है ना, हाँ। घर का पत्ता है वो। घर का पत्ता है क्या? खुद लेके आए। तो ये हो गया मेरी चाय, ये वही है जो मैंने रशिया से खरीदी थी। मस्त आ रही है, गर्म होगा ध्यान। रशिया का है क्या ये? रशिया का चाय है। ट्राई करके देखिए एक बार। हां कोई पिलाइए रशिया। हां बिल्कुल बिल्कुल, मस्त है। नींबू एम्बू सब है। ये नींबू नहीं, उनका उनके जंगल में वो जैसे स्ट्रॉबेरी और वो सब होता है ना, वो बेरीज होती है ना उनका, ब्लैक बेरीज और वो सब, तो उनका है, उनको ड्राई करके उनका चाय बनाते हैं। थैंक यू दादा। आसाम में आओ घूमो, आएंगे जल्दी, आएंगे आसाम में भी आएंगे। नंबर लेके जाओ, पूरा आसाम में पूरा टूर करा दूंगा पूरा। वैसे ये वाला जो कप है शुभम ने मुझे दिया था, थैंक यू शुभम। आप नॉर्मली ज्यादा काली चाय पीता है दूध चाय पीता है? हम लोग यही पीते हैं, काली ज्यादा, काली चाय पीता है। काली चाय पीता है? अरे आप तो कंपटीशन में आ गए। इंस्टा कौन सा, क्या नाम है इसका? इंस्टा वन कौन सा है ये? इंस्टा 360 कैसा है? अच्छा है क्या? बढ़िया है, बढ़िया। बस थोड़ी देर में जो हमारा डिसेंड स्टार्ट करेंगे, इतने में संदीप ने और रोशन ने वो बनवा ली मैगी। मैं यार ठीक है, आखिरी चाय के साथ आखिरी मैगी भी ठीक है। तो मैगी यहाँ पे जो गेस्ट हाउस में बंदे रहते उन्होंने बनाई है, और भाइयों ने डाल दिया इसके अंदर किंग चिली, पर स्वाद आ रहा है यार। तो जाने से पहले अपने आसाम के भाइयों ने मुझे एक असमेज गमछा भी दिया है, धन्यवाद भाइयों। तो यहाँ से आ जाएंगे शायद सारे। हाँ यार सच में छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है। चले ओके बाय दादा, थैंक यू यार भाई। ओके बाय जुकू वैली। ये बैग हो गए दोनों पैक, और ये मेरी वो सॉक्स जो एकदम गीली हो चुकी थी, गीली तो ये भी हो चुकी एकदम नेक्स्ट लेवल। लेकिन अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इस गमछे को भी अभी अंदर डालूंगा और फिर अब करेंगे अपनी यात्रा शुरू। अंधेरा थोड़ी देर में होने वाला है, तो डेफिनेटली जब तक हम जखामा पहुंचेंगे अंधेरा हो चुका होगा। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रियोम और पूनम, और साथ में होंगे रोशन और संदीप। नाम नहीं बोला था मैं, बस जो कर रहा था नाम बुझा था। नहीं नहीं यार नहीं बोला था, सच में नहीं बोला था यार। तो जुको वैली से हम अब निकल रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे जखामा, और ये जो ट्रैक होने वाला है ना भाई, इसमें अब लेनी देनी होगी, क्योंकि दो भाई आए हैं दिल्ली से नांगलोई से, और वो आए थे जखामा वाले रास्ते से। लेकिन देखो चढ़ते टाइम लेनी देनी ज़्यादा होती है बजाय के उतरते टाइम। तो रात वाली जो हमारी ट्रैकिंग है वो अब स्टार्ट कर दी है, लगभग एक घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा और हमें नीचे जाने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम अकेले नहीं हैं, साथ में हम हैं 5 बंदे, तो अगर मान लो कुछ भी दिक्कत होती है तो एक दूसरे का साथ होगा हमारे। जब आपके साथ लोग होते हैं ना, तो कई बार आपको उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। स्वाद ही आ गए भाई। अच्छी बात ये होगी कि अब पेड़ पौधों के ऊपर इतना पानी नहीं है, आते टाइम उस दिन बहुत ज़्यादा पानी था, तो आधी बॉडी वैसे ही गीली हो गई थी।
लेकिन बादल आने स्टार्ट हो गए हैं और जो गेस्ट हाउस वाली जगह हैं वो अब धीरे धीरे दिखनी बंद हो गई है। हम आए थे दूसरे ट्रैक से, जाएंगे दूसरे ट्रैक से, आए थे विश्वेमा वाले से, जाएंगे जखामा वाले से। तो अगर आप कभी भी जुको वैली आते हो तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जखामा वाला ट्रैक लेके मत आना, क्योंकि हालत बहुत गंदी हो जाएगी। रास्ता ज़रूर छोटा है वो, लेकिन ट्रैक इतना ज़्यादा स्टीप है कि पता ही नहीं यार, हालत खस्ता कर देगा आपकी। लेकिन विश्वेमा वाला फिर भी ठीक है। सही लग रहा है यार अभी तक तो, ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं कर रहे हैं। बादल भी मस्त लग रहे हैं, देखो गेस्ट हाउस अब नहीं दिखेगा, जहाँ से रास्ते अलग होते हैं वो आ गया है। ये है जखमा का रास्ता और ये है विश्वेमा का रास्ता, अल्टरनेट ट्रैक रूट। तो जाते टाइम इसको यूज़ करना, आते टाइम इसको यूज़ करना, आपकी जो ट्रैकिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी, नहीं तो बड़े पंगे फेस करने वाले हो आप। अभी टोटल 7 बंदे हैं ना, सात में से 2 बंदे विश्वेमा की तरफ निकल जाएंगे और बाकी हम 5 बंदे जाएंगे जखमा होते हुए। माहौल तगड़ा हो रखा है पीछे यार बादलों वाला। दवाए ब्रा, दवाए 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 मीन्स कम ऑन इन रशियन। तो चेंज इन प्लान्स, सारे एक साथ जा रहे हैं अब। भाई सच्ची बता रहा हूँ, मजे आ गए यार, सच में कुछ लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तगड़ा किया है। कैसे हो भाई, पहुंच गए? मैं हरियाणा से। हाँ जी, क्या आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था? हैं? आप वो नहीं है नॉमेडिक इंडियन? हाँ हाँ, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे दादा कैसे हैं? बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? जी असम से। असम से, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोरूप। मोरूप, एक वीडियो बना देता हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। चलो सही यार, चलते यार। ओके बाय बाय, एंजॉय। बस पहुँचने वाले हैं आप। सामने से भाई आ रहे थे और भाई बोलते हैं कि यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। तो अभी हमारा एक काइंड ऑफ रेस्ट पॉइंट है, लगभग जो हमने चढ़ाई जितनी भी कर ली थी वो पूरी कर ली है। ये मान लीजिए लगभग 600-700 मीटर की चढ़ाई है अगर आप जखमा वाले रास्ते जाते हो, उसके बाद फिर नीचे ही नीचे जाना है। और यहाँ का माहौल देखिए आप, बादल ही बादल, और उधर सामने दिख रही है जूकू। ये देखिए यहाँ से क्रॉस भी दिख रहा है। रेडी गाइस? इनका एनर्जी चला गया। हल्की हल्की बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है। ठंड लग रहा है क्या? तो वापस आप देख लीजिए, है लास्ट व्यू जुको वैली का, क्योंकि अब हम यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर रहे हैं। खतरनाक है यार ये। बाय बाय जुको, चले। अब समझ में आ रहा है उन भाइयों को इतना जोर क्यों आया था। दिल्ली से 2 भाई आए, बोलते भाई हमारी लेनी देनी हो गई थी, सीधी पहाड़ी चढ़ी है भाई उन्होंने। तो सारा रास्ता ऐसा है, पता नहीं शायद ज़्यादा फास्ट नहीं हा? क्योंकि पैर स्लिप हो सकता है यहाँ पे। तगड़ी चढ़ाई है यार ये, तो कुछ ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई एकदम। यहाँ पे सांप वाप सब है भाई। अरे भाई कति स्वाद आ रहे हैं, पर बेरा नहीं सांप है के है। रुको एक मिनट, पता नहीं क्या सांप है क्या है, ये जो भी है सांप नहीं है, पर सांप जैसा सही है। अरे ये रहा, ये काला सांप नहीं है क्या है ये? ये वो है, इसको एक जोंक टाइप ही कहते हैं। हाँ लीच है ये। लीच है? एक मिनट ना, सांप नहीं लीच है। नहीं ये वो है, क्या है, अर्थवॉर्म ही है ये। अर्थ, इतना बड़ा अर्थवॉर्म? यार तो मैंने स्नेल देखी थी, बहुत खतरनाक भाई साहब। केचुए को मैं सांप समझ रहा हूँ भाई, देख रहे हो लेवल। पर भाई बंदे सही कह रहे थे यार, रास्ता खतरनाक तो है ये। भाई हम एक कदम के साथ 1 फुट नीचे उतर रहे हैं। अब हमें समझ आ रहा है कि भाई उन बंदों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा यहाँ पे आना।
यहाँ पे बैठने के लिए जगह बना रखी है शायद। तो हमारी आधी टीम अभी उधर पानी वानी भर रही है, तो इतने हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। जंगल खतरनाक लग रहा है यार ये। डेंस फॉरेस्ट पर अभी प्रियम भाई इधर स्प्रिंग से पानी भर के ले गए हैं, मस्त ठंडा यार और है भी अच्छा। थैंक यू प्रियम। संदीप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा दीपांशु भाई। रोशन मजा आ रहा है आपके साथ। पूनम आपको प्रियम अब आप दोनों का नाम भूल गया मैं, सॉरी। अंकुर अंकुर और आपका प्रिशिता, अब याद रहेगा मेरे को, बस एक नाम याद नहीं रहता, रोशन। भाई अंधेरे के अलावा आप तो कुछ ज़्यादा देख नहीं पाओगे क्योंकि लाइट एक उनको दूसरी ऑन करता हूँ, मे भी शायद उसमें फोकस अच्छा हो जाए। वाह भाई वाह, अभी 4 किलोमीटर बचा है, मैं 1.5 घंटा और लगेगा। 1.5 घंटे ऐसी सीढ़ियाँ उतरनी है। अगर आप जूको वैली आ रहे हो तो ये वाला रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए कभी मत लेना भाई, ध्यान से ये वाला पत्थर भाई, 1-1 फुट की सीढ़ियाँ हैं। और आप सोच के देखें थोड़ा बहुत सामान भी लेके आओगे आप ऊपर चढ़ते टाइम, 1-1 फुट की सीढ़ियाँ, कति बावड़े हो जाओगे आप भाई। ध्यान से सबसे ये बच गया। लाइफ में पहली बार रात को जंगल क्रॉस करूँगा यार, और मस्त एक्सपीरियंस होगा ये। सबने लाइट बंद कर ली थी तो आपस में मजे ले रहे थे। देख रहे हो जंगल कितना प्यारा लग रहा है, शांत शांत, और साथ में पीछे झरने की आवाज। अंधेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है, बाहर रोशनी का नामो निशान नहीं है। आज समझ आ रहा है ये हेडलैम्प और अच्छी टॉर्च होने का फायदा क्या है। ये एक वाटरफॉल और इधर ही अपने दो चीते। अरे भाई साहब झरने के अंदर से जाना पड़ेगा। ये सही है क्या भाई? ध्यान से उतरना। ये झरना चला गया भाई इधर, और हमारा रास्ता है ये। साइड में लेफ्ट साइड में रास्ता जाएगा वॉटरफॉल के बाद, कंफर्मेशन दे दो यार। सच्ची बताओ इतने मजे मेरे को जुगनू में नहीं आए। मेरा उस जुगनू की वजह से पैर कांप रहा है, हैं? सही में मैं डर गया, सच में डर गया था मैं, कह तो रहा हूँ ये देखो। अरे नहीं, झुकने के कारण नहीं कांप रहा, वो तेरे को भयम हो रहा है भाई। मेरे को डर लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ। तो अभी हम एक उसमें पहुंचे, काइंड ऑफ रेस्ट पॉइंट है ये, रेस्ट हाउस। यहाँ पे अगर मान लो बहुत तेज बारिश वारिश हो रही हो और आपको थोड़ी देर वो करना हो तो देख ले भाई, आधे फुटस्टेप आ गए अभी, आधे से भी कम है भाई, अभी तो 5,000 फुटस्टेप बाकी हैं। तो 8,300 फुटस्टेप है और 5,400 बचे हुए हैं, तो टाइम लगेगा भाई हमें। एक झरना छोड़ते तो दूसरा आ जाता है, दूसरा छोड़ते तीसरा आ जाता है। मुझे लगा हिरन मरा पड़ा है और ये पत्थर था। मैं चक्कर में पड़े हुआ, ये हिरन यहाँ पे किसने मार के छोड़ दिया। थोड़ी अलग टाइप की वेजिटेशन आ गई है ना भाई साहब, क्या खतरनाक लग रहा है ना पेड़। अगर आप लोग ढंग से देख पा रहे हो तो ये पेड़ है और पेड़ के तने के नीचे डेंट टाइप में बनी हुई, यहाँ पे लोग आग वाग भी जलाते होंगे, बैठ। हाँ जलाई हुई है लोगों ने। अरे कितने कीड़े आएंगे रे। अरे पहुंच गए,
वो भाई साहब आप देखो हमें रात के वाटरफॉल क्रॉस करके जाना पड़ेगा इधर। कर लिया भाई पार। इधर से आ, इधर 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 आजा आजा आजा। अरे मैं दिखा रहा हूँ ना लाइट। अरे उधर मत जा यार। हाँ ठीक है देख ले ले आजा आजा। कति स्वाद आ गया भाई साहब। अरे भाई साहब एक ये एक गेस्ट हाउस और आ गया है। कोई है क्या? कोई नहीं है। कोई है भाई? कोई नहीं है भाई। लकड़ी वकड़ी है? ये तो बेड भी है, सो भी सकते हैं। हाँ ये देखो पलंग है, तीन बंदे आराम से। रेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये क्या है पता नहीं, कौन कौन से कीड़े हैं यहाँ पे। एक तो कैसा रहा रोशन, तू इतना डर क्यों रहा था यार? मैं कुछ नहीं आता ना। तो भाई तू कौन सा नीचे जा रहा था? तो भाई साहब ये एक काइंड ऑफ रेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे। वो वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद इधर आ गया है, आगे आती है गेस्ट हाउस ना, सॉरी रेस्ट हाउस। रोशन की थोड़ी हालत खराब हुई थी उसमें। हाँ मुझे कुछ आता नहीं तैरना। पर हम इसको बोल रहे कौन सा तू उसमें नीचे जा रहा था? हाँ पैर थोड़े बहुत सूखे थे वापस से झरने के कारण, भीग गए पूरी तरीके से। एक तो वाटरफॉल ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एक और आ गया है। अब एक पंगा और हो गया है। ये देखिए मस्त तरीके से पानी और बहने लग गए इस रास्ते में। मुझे लग रहा था कि इसकी बैटरी डाउन होने वाली है, लेकिन नहीं, बैटरी पूरा साथ दे रही है यार। टॉर्च मस्त है ये सच में, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और दो घंटे हो गए हैं इसको ऑन किए, फिर भी चल रही है यार। मस्त बैकअप है इसका यार, मैं खुश हो गया हूँ इससे आज। शायद ये रास्ता में सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं। हम आगे तो आ गए हैं, लेकिन एक पंगा हो गया यार। हमने एक दो जगह थोड़ा थोड़ा वेट किया, हमें लगा धीरे धीरे करके आ रहे होंगे, और पता नहीं अभी वो प्रियोम और कब तक आएंगे। वेट करना पड़ेगा हमें नीचे जाके। ऊपर जाना एक ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पैर हमारे भी एकदम जवाब दे चुके हैं। डर ये लग रहा है यार, वो बच्चे हैं, मतलब यार 20-22 साल के हुए हैं। अब पता नहीं यार कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। बारिश होते हुए काफ़ी देर हो गई थी भाई, और सामने आपको सिविलाइजेशन दिखने लग गई होगी भाई। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, लेकिन हमारे चिंता भी ये हो रही है कि ऊपर प्रियम और ठीक हो। हम एक घंटा वेट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लोकल से बात करेंगे। आई होप वो सब ठीक है। हमने उनसे दो तीन बार पूछा कि हम रुक जाएँ, वो बोलते चलते रहो। फिर हमारा मूवमेंट बन गया, हमारे भी ध्यान में नहीं रहा, अब चिंता हो रही है हमें। अच्छी बात यह है कि दो बंदे आ चुके हैं, दो बंदे बचे हुए हैं। अभी हमने क्या किया है, एक यहाँ पे जो लोकल भाई साहब हैं उनको 1,000 रुपये दिए हैं, और वो ऊपर पूनम और प्रियम को ढूंढने के लिए हमने एक बंदे को भेजा है ऊपर। चिंता की मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है, लेकिन यार वो पीछे बहुत पीछे रह गए थे। अभी थोड़ी देर पहले दो बंदे आ गए हैं, अब बस वो दो ही बचे हुए हैं, बस अब वेट कर रहे हैं। वो भाई साहब गए, मेरी कमर में दर्द हो रहा है यार थोड़ा सा। पर एक सीख मिल गई कि ग्रुप में अगर ट्रैवल करना है, यार मैं पहली बार ग्रुप के साथ जा रहा था, ट्रैकिंग में करता हूँ मैं नॉर्मली, दूसरे टाइप के ग्रुप होते हैं वो बाहर, यहाँ पे अपने बंदों वाला टाइप ग्रुप हो गया था, तो आज तक मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं था। तो ये मेरे को एक सीख मिल गई, या तो ग्रुप में ट्रैवल मत करो, नहीं तो फिर आपस में साथ भाई थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं तो यार मजाक की बात नहीं, बहुत खतरनाक जगह है। मुझे पता है मैं कैसा फील करो, पहले तो उन लोगों के उन चारों के लिए डर लग रहा था, चलो दो आ गए, अब थोड़ा मतलब टेंशन फ्री हो गया, लेकिन उसका अपने लिए भी बहुत डर फील हो रहा था, क्योंकि जो अंधेरा था ना और जैसा माहौल था वो बहुत डरावना था, सच में बहुत डरावना।
और मेरा पास। तो भाई साहब फाइनली ये दोनों आ गए, इन दोनों ने जान हलक में डाल दी थी। वॉटरफॉल कैसे क्रॉस किया? शॉर्टकट लिया है? लिया ना शॉर्टकट, तो पूरा घूम के आए? शॉर्टकट रास्ते में नहीं लिए? तभी इनको इतना टाइम लग गया ना। वापस आएंगे? वापस आ रहे हैं। हो जाएगा, अभी तो मिला है ना। हाँ जी सर, एकदम मजे में। हिंदी आता है आपको? हिंदी नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं भाई। तो आज के जो क्रेजी एक्सपीरियंस है अभी तक रुके नहीं है, अभी चल ही रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्रियोम और पूनम पहुंच गए थे। ये एक्सपीरियंस में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आज भूल जाएगा। स्टार्टिंग में नीचे पहुंचने का डर या दर्द, दूसरा कि भाई हम तीनों पहुंच गए स्टार्टिंग में, फिर मैं यार हम चले तो सात बंदे थे, पहुंचे तीन ही हैं, बाकी चार कहाँ रह गए? फिर दो बंदे आए, फिर एक भाई साहब से हमने बात बात की, उनको पैसे वैसे दे के प्रियोम और पूनम को ढूंढने के लिए भेजा, फिर प्रियोम और पूनम उनको मिल गए। वहाँ वो भाई साहब पहुँच गए तो पूनम को डर लग गया कि ये बंदा कौन आ रहा है। तो प्रियोम का आज 21st बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे प्रियोम को, ये बर्थडे मेरे हिसाब से जिंदगी भर याद रहेगा। ये स्टोरी पक्का बताना भाई कि आज हुआ क्या क्या है। अभी हम ओमनी वैन में बैठ के जखामा पहुंचे थे और जखामा से विश्वकर्मा जा रहे हैं, और रात के बज चुके हैं 10, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 बजे यूँ मान लीजिए आप, दिल्ली के अंदर 12 बज चुके हैं। वैसे सही मान 12 नहीं, 2-3 बज चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ही 7 बजे बंद हो जाते हैं यार। 7 बजे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगी आपको बाहर। पता है क्या हो गया था, जो ये टैक्सी वाले भाई साहब थे इन्होंने दारू पी रखी थी, और मुझे लग रहा था डर कि ये भाई कहीं खाई वाई में ना कुदा दे पहाड़ के ऊपर से, लेकिन भाई इतने मस्त तरीके से बंदा, सच में उसने दारू पी रखी थी, बहुत ज़्यादा पी रखी थी ना, लेकिन ड्राइविंग बहुत अच्छी की उस बंदे ने। और फिर भाई ने हमें वापस से उस जिस होटल में मैं रुका हुआ था वहीं पर पहुँचा दिया। और मज़े की बात, जो यहाँ के होटल के ओनर थे उन तक मैसेज पहुँच गया था, पता नहीं कैसे मैसेज पहुँचा, और उन्होंने ये अपने रेस्टोरेंट को खोल दिया था, और यहाँ से अब उन्हें रूम मिल जाएंगे, फिर हम चैन से सो जाएंगे भाई। ये हो गया भाई, एक ये वाला बैग और एक ये वाला बैग, अब वापस रूम में जा रहे हैं। भाई रूम में आते ही सबसे पहले इन जूतों को ट्राई कर रहा हूँ, एकदम गंदी तरीके से भीग चुके थे, पैर के अंदर है ना अजीब सा हो गया था, और पैर क्या रहा था आप देख ही सकते हो, आपने वीडियो में सब कुछ देखा ही है। प्रियम, संदीप, अंकुर, पूनम सब उधर दूसरे रूम में बातें कर रहे हैं। एक बार रूम में आ गए तो मुझे गैजेट चार्ज करने थे, तो मैं अभी अब बाहर जा रहा हूँ बस, और ज़्यादा बातें नहीं है मेरे पास करने को, थक गया यार आज, और बहुत बुरी हालत हो गई। बाकी सारा सीन आपको पता ही है कि यार हम आ गए, हम पहले पहुँच गए थे, और उसके बाद क्या क्या सीन हुआ, तो कल सुबह बात करते हैं।